हाय एवरीवन, मुझे विश्वास है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, 31 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों का ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा। कुछ बच्चे अभी भी कुछ मामलों में भटक रहे हैं, तो उन्हीं का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भरने के लिए अभी भी परेशान हो रहे हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 24 जून है, तो जिनको भी फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग मेरे चैनल पर एक पुरानी मैंने वीडियो डाल रखी है, अभी 3-4 वीडियोज़ पहले की वो वीडियो होगी, उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया कि फॉर्म कहाँ से देखना है, कैसे देखना है और क्या क्या उसमें पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हमको फॉर्म फिलअप करना है। तो उस वीडियो को आप आराम से देख लीजिए, उसमें भी कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई लोगों को तैयारी करने के दौरान अभी लग रहा है कि सर अष्टांग संग्रह कैसे पढ़ें, लघु त्रय की सब्जेक्ट को कैसे अपन कवरअप करें और संस्कृत रिसर्च इन सबको कैसे हम पढ़ें। तो आप लोग मोस्टली तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी न किसी टीचर से ऑफलाइन मोड में या तो ऑनलाइन मोड में आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो इंस्टीट्यूट्स में क्या है, बेसिकली कंपेयर करके ही पढ़ाया जाता है। टीचर्स क्या करते हैं, बेसिकली कंपेयर कर करके ही पढ़ाते हैं कि मेनली जो चरक और सुश्रुत संहिताएँ पढ़ते हैं अपन, उसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अष्टांग के होंगे या फिर और लघु त्रय के होंगे या फिर किसी और आचार्य के होंगे, तो वो सब वहीं पर मेंशन करके करते हुए हम कोरिलेट करते हुए पढ़ते हैं। तो इस अननेसेसरली आपको पूरा संहिता अलग से देखने की आवश्यकता नहीं कि आप पूरा अष्टांग पूरा पढ़ें, अष्टांग संग्रह पूरा पढ़ें, अष्टांग हृदय पूरा पढ़ें, उसके अलावा और जो छोटी संहिताएं हैं, हारित कई लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग योग रत्नाकर की बात कर रहे हैं, है ना, कोई रस शास्त्र से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं उन सब की बातें कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की उसमें आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी वाले हैं तो आप ये काम कर सकते हैं कि कोई भी एक बेसिक गाइड ले लीजिए, जैसे पारिक हो गई, इस प्रकार की कोई भी एक अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज वाली कोई एक गाइड ले लीजिए, उसमें जो ये टॉपिक्स लिखे हुए उनको आप कवर अप कर लीजिए, तो मोर देन इनफ हो जाएगा, सफिशियंट रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए वो। उसके अलावा संस्कृत और रिसर्च की जो चीज़ें आ गई, तो ये थोड़ा सा एक नया चीज़ अभी आया है, पर क्योंकि यूजी में फाइनल ईयर में रिसर्च का टॉपिक रहता है, तो आप उससे थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक गाइड में आप देखेंगे तो आजकल गाइड्स में भी रिसर्च के टॉपिक्स लगे हुए हैं। लाइक मुझे याद आ रहा ग्लोबल आयुर्वेद में टॉपिक लगा हुआ है, तो आप वहाँ से थोड़ा एक जल्दी जल्दी समराइज फॉर्म में उसको आप पढ़ सकते हैं, पर उसमें भी बहुत लेंदी जैसा लिखा हुआ है, तो सेलेक्टेड टॉपिक्स को ही आप थोड़ा सा पढ़िएगा। और संस्कृत तो ऐसा है कि थोड़ा सा मेहनत करने से ही वो बन पाएगा, तो उसके लिए आप 2-3 वीडियोज़ आप देख लीजिए यूट्यूब में, वो थोड़ा सा हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगा, खासकर संधि और समास वाला पोर्शन आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सी संधि और कौन सा समास कैसे हमें पहचानना होता है। तो इस प्रकार से आप अपने स्टडी को थोड़ा सा लाइन पे रखे रहिए, ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए और अननेसेसरली स्ट्रेस भी मत लीजिए, और बहुत सारी चीज़ों को करने का भी प्रयास मत करिए कि इस इंस्टीट्यूट से भी आप पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहे हो, 4 जगहों से काम करने के बजाय केवल एक चीज़ पर फोकस होकर काम करते रहिए। और मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपके लिए वीडियो सीरीज पर काम कर रहा हूँ, 1 जुलाई से वो वीडियो सीरीज आप लोगों को मिलेगी, जिसमें रेगुलरली आप लोगों के लिए नए नए क्वेश्चंस में देता चला जाऊंगा, जिसमें हम दोनों बैठकर उसको हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे, जिससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बूस्टअप होता रहेगा और आपका नॉलेज भी आपको उससे चेक होता रहेगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स वाले भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगते हैं जो आ सकते हैं, कुछ पुराने पैटर्न के क्वेश्चन हैं, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, कुछ नए नए संहिताओं के कुछ अलग क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, और किसी भी प्रकार की क्वेरीज होगी तो मुझे कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो तैयार कर दूंगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।